ग्राम बकरी में सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बेचने का मामला प्रकाश में आया। शुक्रवार को गोचर भूमि पर बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सड़क पर। आक्रोशित ग्रामीण नारेबाजी करते हुए आईटी केंद्र पहुंचे, जहां पर सरपंच अख्तर हुसैन को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंप कर निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि गांव में कुछ लोग भू माफिया बनकर कभी गायों के नाम से या धार्मिक उन्मान के नाम से गांव की जमीन पर कब्जा करते हैं और कुछ दिनों बाद उस जमीन को बेच देते हैं, जिससे पक्षियों के लिए चरने के लिए जगह नहीं बची, सिवाय जो राजस्व भूमि है जिसमें भू माफियाओं ने प्लॉट काट कर कच्चे पक्के निर्माण कर लिए। उन्होंने तालाब एवं मुक्ति धाम के रास्ते को भी नहीं छोड़ा। इसके अलावा नदी के सैकड़ों खसरों को भी अतिक्रमण मुक्त किया। गांव का प्रतिनिधि मंडल एवं ग्रामीण जन एकत्रित होकर पधारे हैं। इन्होंने ज्ञापन दिया है कि गांव में, संपूर्ण गांव में, राजस्व सीमा में, स्वायचक में, गोचर भूमि में, मंगरा में जो भी अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को मुक्त कराया जाए, गोचर भूमि में अतिक्रमण को मुक्त कराया जाए। इन्होंने अलग अलग खसरों से पॉइंट बना करके कुल 6 या 7 पॉइंट दिए हैं, जो कि ये मिले हैं। उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और 4 तारीख को आचार संहिता हटने के बाद हमारे पंचायत का जो भी फोरम बैठेगा, फोरम बैठ के निर्णय लेगा और उस निर्णय अनुसार हम आगे की कार्रवाई करने में सक्षम रहेंगे। इससे पहले भी ज्ञापन दिया आपको? इससे पहले गोचर भूमि का ज्ञापन आया था, जिसमें गोचर भूमि में अतिक्रमण होना बताया गया। लेकिन आज जो ये ग्रामीण एकत्र होकर आए हैं, इन्होंने संपूर्ण गांव में, इसमें गैरमुमकिन मंगरा है, गैरमुमकिन टीला है, गैरमुमकिन खाड़ा है, बारानी राजस्व भूमि है, तालाब की भूमि है, मुक्तिधाम की भूमि है एवं सभी स्वायचक तो रास्ते हैं, यह सील बकरी की नदी भूमि, इन सब का इन्होंने ज्ञापन दिया है। सभी के लिए पंचायत, सब पूरे ग्रामीणों के लिए है और ग्रामीणों के लिए पंचायत अपने जो भी सक्षम अधिकार होंगे उसके तहत कदम उठाएगा।